रानी को मारने के लिए जो सांप आपने भेजा था उसने राजा को डस लिया। अब तो हमें लगता है कि आपका दिमाग वाकई खराब हो गया है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ तो उससे कहिएगा जो आपको जानता ना हो। अरे हम तो आपके रग रग से वाकिफ हैं। एक बात याद रखना सासू मां, नाटक के दो अंक होते हैं। पहले अंक में हम और हमारा परिवार हार गया और अब आपकी बारी है। आप सारा जोर लगा दीजिए, सारी साजिशें कर लीजिए, लेकिन राजा रानी का प्यार ना हारा था और ना हारेगा। राजा को तो रानी बचा लेगी, लेकिन आपको बचाने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए प्रियंवदा। जिंदगी और मौत के बीच सूद भर का भी फासला नहीं बचा है। अब अगर कोई करिश्मा कर सकता है तो पीर बाबा ही कर सकते हैं। हमें फौरन इसे पीर बाबा के पास ले जाना होगा। हमारी मदद कर दीजिए। तेरे दरबार में दिल थाम के जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूं। जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हमने दूर जाने के लिए कहा था, इतना दूर जाने के लिए नहीं। इसका जहर मैंने निकाल दिया है बेटा।
ये लेप इसके जिस्म पर लगा दो। ये ठीक हो जाएगा ना? तकदीर तुझे उस दर पर ले आई है बेटी, जहां इश्क पहले भी मौत को मात दे चुका है। आज से 20 साल पहले एक शख्स इसी तरह सांप के जहर से मरती हुई अपनी बीवी को यहां लेकर आया था। जो काम मेरी दवा ना कर पाई, उसके दिल से निकली दुआ ने कर दिया। दुआ तो सब करते हैं, लेकिन असर सिर्फ वही दुआ करती है जो मोहब्बत भरे दिल से निकलती है। तू अपने दिल में मोहब्बत तलाश कर, इसकी जिंदगी तुझे खुद मिल जाएगी। दादू, हम घर गए थे पर राजा रानी वहां नहीं है। रानी राजा को कहां ले गई होगी? हे अम्बे माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। पता नहीं सर किस हाल में होंगे। वो सांप तो बहुत जहरीला था, अगर राज को कुछ हो गया तो? तुम्हें कैसे पता कि वो सांप जहरीला था? वो जैसे मीनू ने बोला, हमें तो लगा ना कि सांप जहरीला ही होगा। दादू आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, राजा रानी को कुछ नहीं होगा। हम आपसे वादा करते हैं, हम उन्हें ढूंढ के लाएंगे। जीवन, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मीनू, दादू को लेके घर जाओ, हम उन्हें ढूंढ के लाते। जब तलक तू बना देना दिल की दर्ज तेरे न जाए जवानी। भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आसानी से नहीं जाने देंगे। हमारे आने वाले कल के लिए ना सही, पर हमारे गुजरे हुए कल के लिए तुम्हें आना होगा। हमने जो सपने देखे थे वो भले ही टूट गए हो, पर हम तुम्हें उन सपनों की कसम देते हैं राजा, तुम्हें वापस आना होगा राजा। तू दवा लगा और उसके करिश्मे के लिए दुआ कर। तेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत और उस पे भरोसा दोनों होंगे तो अल्लाह इसकी जिंदगी जरूर बख्श देगा। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है ना तू धड़कने। तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दे तरस का तरस मुझ पिया का, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। तलक तू मिला देना बिछड़ी दर्ज तेरे न जाए जवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आकर
हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ बेटा, ये जरा भट्टी तक पहुंचा दो। आप इस उम्र में भी यहाँ क्यों काम कर रही हैं? बेटा मेरे पति बहुत बीमार है और मैंने सुना है कि अगर इस दरगाह में अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओ लोगों को तो मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं। आपके शौहर को सलामत रखें। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं बाबा, मुझे मत रोकिए। जिसे मैंने दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया, उसने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे उसके पास जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी है बाबा। या मेरे मौला, बरसों बाद ऐसी पाक मोहब्बत देखी है जिसकी ताकत के आगे आसमान को भी झुकना पड़ गया। मेरे अल्लाह, इनकी मोहब्बत को हर आजमाइश से गुजर कर एक दूसरे के पास पहुंचने की ताकत दे। ये क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगने के हालात में नहीं हो तुम। करना तो पड़ेगा ही, उनके साथ साथ शायद गुनाह भी बह जाए। तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। लवी जो कह रही है वो झूठ है ना राजा? लवी सच कह रही है। आज इसी वक्त हम तुम्हें शादी के सारे बंधनों से मुक्त करते हैं राजवीर राणा। Thank you.
जान बचाने के लिए आए और तुम अपनी जान देने को तैयार हो, थोड़े से भी होश में हो कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले हालत में भी नहीं था कि दो कदम चल पाओ, पर किलो में चल रहे थे, तुम पागल हो क्या? अभी तन करने की कसम खा रखी है, क्यों समझ नहीं आता? तुम्हें चोट लगेगी तो दर्द हमें भी होगा। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। माफ कर दो रानी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। रानी राजा की पत्नी है, वो उसे कुछ नहीं होने देगी, और रानी को राजा की तुमसे कई ज्यादा फिक्र है बिंदु, समझी तुम? हम अच्छे से जानते हैं कि रानी को राजा की कितनी फिक्र है। अगर रानी को उसकी फिक्र होती ना तो वो राजा को कभी छोड़ के नहीं जाती, और उन दोनों को ढूंढने में हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम उन दोनों को अकेले खुद ढूंढ सकते हैं, समझे? मुझे नहीं पता रानी, मुझे नहीं पता कब कैसे क्या हो गया। बस इतना पता है कि जब होश आया तो मैं तुम्हारी क्या अपनी नजरों में गिर चुका था रानी, पर मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को मिटाना क्यों। सांवरिया, अगर राजा मिट गया तो रानी भी मिट जाएगी। हमने बहुत चाहा कि तुम्हें ना चाहे, लेकिन हर बार हार गए। हमने तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं किया था, ना ही कर पाएंगे। हमने तुम्हें माफ किया राजा, माफ किया।